আমরা চলে এলাম আজকে আপনাদের সঙ্গে আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর আজকে আমরা দেখব যে ভিডিওটি, সেই ভিডিওটি হচ্ছে সিয়াচেন গ্লেশিয়ার ওয়ার্ল্ড হাইয়েস্ট ব্যাটল গ্রাউন্ড ডিকোডেড হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া পাকিস্তান সিয়াচেন ওয়ার 1984। বুঝতেই পারছো যে 1984 সালে যুদ্ধ হয়েছিল। সিয়াচেন হচ্ছে এমন একটা জায়গা পৃথিবীর দুই মেরুতে যেমন অনেক বরফ জমে আছে, সিয়াচেনও কিন্তু সেই রকম প্রচুর পরিমাণে বরফ জমে আছে। এবং সিয়াচেনে গ্লেশিয়ার যে এই জায়গাটুকু কিন্তু ইন্ডিয়ান আর্মিরা খুব একটা ব্যাটল গ্রাউন্ড করে সেটার সেফটির জন্য ওখানে কিন্তু তারা অবস্থান করছে। তো এই ভিডিওটি আমরা নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল স্টারি আইকিউ এডুকেশন থেকে, আর ওনাদের অরিজিনাল ভিডিওর লিঙ্কটা আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে, চাইলে আপনারা সেখান থেকে অরিজিনাল ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি। ইন্ডিয়া আর পাকিস্তান কে বিচ এক কনফ্লিক্টেড এরিয়া সিয়াচেন গ্লেশিয়ার দুনিয়া কি হাইয়েস্ট ব্যাটল ফিল্ড হ্যায়। নিয়ারলি 18,000 ফিট কি উচাই পে স্থিত কে গ্লেশিয়ার সব জিরো টেম্পারেচার হি নাহি বালকি অ্যাভালাঞ্চেস ক্রিভাসেস হাই স্পিড উইন্ডস আর হাই অ্যালটিটিউড রিলেটেড এলিমেন্টস কি ওয়াজহ সে এক লাইফ থ্রেটনিং লোকেশন হ্যায় জাহাঁ হর দিন সারভাইভ করনা খুদ মে এক চ্যালেঞ্জ হ্যায়। ইস্টার্ন কারাকোরম রেঞ্জ মে লোকেটেড ইয়ে 76 কিলোমিটার লং গ্লেশিয়ার কারাকোরম রেঞ্জ কা লংগেস্ট অর ওয়ার্ল্ড কে নন পোলার রিজন কা সেকেন্ড লংগেস্ট গ্লেশিয়ার হ্যায়। সাল্টোরো রিজ অর কারাকোরম রেঞ্জ কে বিচ সিচুয়েটেড সিয়াচেন গ্লেশিয়ার আপনি ট্রিবিউটারি গ্লেশিয়ার্স কে সাথ লগভগ 700 স্কোয়ার কিলোমিটার কা এরিয়া কভার করতা হ্যায়। सियाचिन ग्लेशियर की हाइट और लोकेशन इसे एक स्ट्रैटेजिक और क्रूशियल ग्राउंड बनाती हैं, जिसे सिक्योर करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1984 में एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद से इंडिया और पाकिस्तान ने अपने ट्रूप्स सियाचिन ग्लेशियर पे स्टेशन कर रखे हैं। तो हमारे आज की वीडियो का मकसद सियाचिन ग्लेशियर से जुड़े इन्हीं स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को डिकोड करना है, जिसके कारण इंडिया और पाकिस्तान की सेना आज भी एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। इसके साथ हम सियाचिन से जुड़े इंडिया पाकिस्तान 1984 कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसके बाद सियाचिन ग्लेशियर पे इंडिया का कंट्रोल स्टैब्लिश हो पाया। आइए तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसकी शुरुआत हम सियाचिन ग्लेशियर के स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस से करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, लद्दाख के नदन पार्ट में स्थित सियाचिन ग्लेशियर इंडिया के लिए एक्सट्रीम स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। पीओके के बाल्टिस्तान रीजन और शक्सगम वैली के बीच स्थित सियाचिन ग्लेशियर इन दोनों रीजन्स के बीच एक वेज की तरह काम करते हुए इस रीजन में चाइना और पाकिस्तान के जियोग्राफिकल मिलिट्री लिंकेजेस को डिनाई करता है। दोस्तों, शक्सगम वैली इंडिया का वो पार्ट है जिसे पाकिस्तान ने 1960s में चाइना को सीड कर दिया था, और ये तब से चाइना के कंट्रोल में है। चाइना आज इस रीजन में ऑल वेदर रोड और रेलवे लाइंस डेवलप कर चुका है। सियाचिन ग्लेशियर की मदद से इंडिया चाइना और पाकिस्तान नेक्सस के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट विजिल रखने में सक्षम है। इसके साथ इंडियन आर्मी सियाचिन की मदद से पीओके स्थित गिलगिट और बाल्टिस्तान रीजन को भी ऑब्जर्व करती हैं। यदि सियाचिन रीजन में पाकिस्तान को लोकेशनल एडवांटेज मिल जाता तो इंडिया के लिए ये एक बड़ा खतरा साबित हो सकता था। ईस्ट में अक्साई चिन्ह की साइड से चाइनीज थ्रेट और वेस्ट एंड नॉर्थ से पाकिस्तानी थ्रेट इंडिया के लिए लद्दाख में अपना होल्ड बनाए रखना मुश्किल कर सकते थे। सेल्टोरो रिज और सियाचिन इंडिया को इम्पॉर्टेंट माउंटेन पासेस का कंट्रोल देते हैं, जो लद्दाख और कश्मीर के गेट में हैं। सियाचिन ग्लेशियर से इंडियन आर्मी का पीछे हटना लद्दाख में सिनो पाक ज्वाइंट इन्वेजन के रिस्क को एक्सपोनेंशली बढ़ा देती है। सेल्टोरो रिज में अपना कंट्रोल बनाए रखते हुए यदि इंडिया फ्यूचर में पाकिस्तान के साथ बायलेटरल टेरिटोरियल डिस्प्यूट रिजॉल्व भी करता है तो ये लोकेशन इंडिया को एक बेटर बार्गेनिंग पोजीशन ऑफर करेगी। दोस्तों, सेल्टोरो रेंज पे अपने कंट्रोल के साथ इंडिया के पास उस रीजन में डोमिनेटिंग हाइट का टैक्टिकल एडवांटेज भी है, जहां पाकिस्तानी सोल्जर्स जो लोअर हाइट्स में पोजीशन है, इंडिया उनके हर मूवमेंट को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर सकता है। लेकिन आज इंडिया इस रीजन में जिस टैक्टिकल एडवांटेज के साथ है, ये हमेशा से नहीं था, बट हमने इसे लड़कर जीता है। आइए अब हम जानते हैं ऑपरेशन मेघदूत के बारे में। इसके बाद सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर इंडिया ने अपना कंट्रोल को एस्टैब्लिश किया। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर के कॉन्फ्लिक्ट की जड़ें इंडिया पाकिस्तान
1947-48 वॉर के बाद साइन हुए कराची एग्रीमेंट तक जाती है। इस एग्रीमेंट में यूज्ड एम्बिगियस टेक्स्ट कश्मीर में सीज फायर लाइन को पॉइंट NG9842 तक कोऑर्डिनेट करती है, और उसके बाद वर्ड्स यूज्ड हैं एंड देंस नॉर्थ द ग्लेशियर। दोस्तों 1972 के शिमला एग्रीमेंट में भी जब जम्मू कश्मीर के सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल में कन्वर्ट किया गया तो NG9842 से नॉर्थ के रीजन पे कोई चर्चा नहीं की गई। शायद 1972 तक इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही सियाचिन ग्लेशियर के इनहॉस्पिटेबल टेरेन को देखते हुए इस रीजन में बाउंड्री क्लैरिफाई करने की ज़रूरत समझी थी। तब तक सियाचिन ग्लेशियर एक ऐसा अनवांटेड पीस ऑफ लैंड था जो न रिसोर्स रिच था, न हॉस्पिटेबल था, और ना ही इसकी कोई स्ट्रैटेजिक वैल्यू थी। इंडियन गवर्नमेंट का ये परसेप्शन लेट 1970s में चेंज हुआ जब ये एक्सीडेंटली पता चला कि कई फॉरेन पब्लिकेशंस इंक्लूडिंग US गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट LOC को NG9842 से नॉर्थ ईस्ट की तरफ काराकोरम पास तक एक्सटेंड करता हुआ शो कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में इन मैप्स में सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तानी टेरिटरी का हिस्सा बताया जा रहा था। पाकिस्तान के लिए NG9842 से डेंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर का मतलब था लास्ट पॉइंट से काराकोरम पास तक जाती हुई एक नॉर्थ ईस्टर्नली लाइन। वहीं इंडिया का स्टैंड इस स्टेटमेंट का मकसद NG9842 से सेल्टोरो रिज के अलॉन्ग प्रॉपर नॉर्थ की ओर इशारा था। इस कन्फ्यूजन के बीच पाकिस्तान वेस्टर्न माउंटेनियर्स को सियाचिन और आसपास के रिजेस पे क्लाइम करने का परमिशन दे रहा था, जिससे वो इस रीजन पे अपना क्लेम क्वाइटली इस्टेब्लिश कर रहा था। ये बात इंडिया के लिए साफ हो चुकी थी कि पाकिस्तान कैटोग्राफिक इन्वेजन और ऑरो पॉलिटिक्स की मदद से सियाचिन के ऊपर अपना क्लेम इस्टेब्लिश कर रहा है। दोस्तों डेवलपमेंट्स में टर्निंग पॉइंट तब आया जब इंडिया को इस बात की न्यूज़ मिली कि पाकिस्तान हाई एल्टीट्यूड फाइटिंग गियर परचेज कर रहा है। पाकिस्तान के इंडिया ने ऑपरेशन मेक दूत लॉन्च किया। अप्रैल 1984 में सेल्टोरो रिज के टू इम्पॉर्टेंट पासेस बाइलाफोन ला और सिया ला को ब्लॉक करते हुए इंडियन आर्मी ने न सिर्फ ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर पर की पासेस बल्कि पूरे सेल्टोरो रिज पे भी अपना कब्जा जमा लिया। तब से आज तक दोनों देशों ने इस एरिया में अपने सोल्जर्स डिप्लॉय कर रखे हैं। जहां इंडिया सियाचिन और सेल्टोरो रिज पे बैठा है, वहीं पाकिस्तान इससे काफ़ी कम ऊंचाई पर और ग्लेशियर से कुछ दूर अपने पोस्ट बनाए हुए हैं। दोस्तों 1984 के बाद पाकिस्तान ने 1987 और 1989 में सियाचिन पे किए, जिसमें से फर्स्ट असॉल्ट को खुद तब के ब्रिगेडियर जनरल रहे परवेज मुशर्रफ ने लीड किया था। दोनों ही असॉल्ट में पाकिस्तानी सेना कोई जीत हासिल नहीं कर पाई, लेकिन 1987 में इंडिया की ओर से लॉन्च ऑपरेशन राजीव के तहत इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के कैद पोस्ट को, जिसे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें कैद आज़ाम भी कहा जाता था, उसे इंडियन आर्मी ने कैप्चर कर लिया। और इस ऑपरेशन को लीड करने वाले नायब सूबेदार बाना सिंह के नाम पे कैद पोस्ट को बाना पोस्ट कर दिया गया। नायब सूबेदार बाना सिंह को इस ऑपरेशन के सक्सेसफुल कंडक्ट के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। आज 22,143 फीट पे स्थित बाना पोस्ट दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड पोस्ट है। 1989 के नवंबर 2003 में दोनों देशों ने मध्यस्थता कर सीज फायर डिक्लेयर किया और एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन यानी कि AGPL स्टैब्लिश की, जो आज इंडिया और पाकिस्तानी पोजीशंस को सेपरेट करती है। इस इवेंट के बाद सियाचिन रीजन में किसी तरह का वायलेशन या एक्सचेंज ऑफ द फायर दोनों साइड से नहीं देखा गया है। दोस्तों पिछले कई सालों से हालांकि इस रीजन में कोई सीज फायर वायलेशन नहीं हुआ है, लेकिन दोनों ही देशों के कई सोल्जर्स ने अपनी जानें गंवाई हैं। सियाचिन ग्लेशियर की हॉस्टाइल टेरेन और एक्सट्रीम वेदर इन डेथ्स की जिम्मेदार हैं। -60 डिग्री तक जाने वाले टेम्परेचर और 300 किलोमीटर पर आर से भी ज्यादा तेज चलने वाली ब्लिजर्ड्स यहाँ सर्वाइवल बेहद कठिन बना देती हैं। इस हाइट पे ऑक्सीजन की कमी नॉर्मल ब्रीदिंग को भी एक टफ बैटल बना देती हैं। हाई एल्टीट्यूड, कोल्ड वेदर, लेस ऑक्सीजन, इन सब के कम्बाइंड एफर्ट्स के कारण सीवियर डिप्रेशन, हेलुसिनेशन, मेमोरी लॉस, फ्रॉस्ट बाइट, पल्मोनरी और सेरेब्रल एडिमा या डेथ भी विटनेस किए गए हैं। दोस्तों अब तक नेचुरल कॉजेज से 2000 से ज़्यादा इंडियन और पाकिस्तानी सोल्जर्स की डेथ इस रीजन में हो चुकी है। इसके साथ सियाचिन ग्लेशियर में अपने ट्रूप्स को पोजीशन रखने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लार्ज फाइनेंशियल कॉस्ट भी बियर किया जाता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक सियाचिन ग्लेशियर का डेली एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट ₹5 करोड़ है। हाई ह्यूमन कॉस्ट और फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर के कारण दोनों देशों के कई ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स द्वारा सियाचिन ग्लेशियर के
डीमिलिटराइजेशन के प्रस्ताव को भी आगे रखा गया है, लेकिन इस प्रस्ताव को लेकर अलग अलग पक्ष हैं। आइए जानते हैं उन्हें। दोस्तों, इंडिया के एक स्ट्रेटजिक कम्युनिटी के सेक्शन का मानना है कि जहां एक ओर इम्प्रूव लिविंग कंडीशन से सोल्जर्स की डेथ में कमी आई है, वहीं दूसरी ओर देश की सोवरेनिटी के अगेंस्ट पोटेंशियल थ्रेट्स को देखते हुए सियाचिन ग्लेशियर के स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके ऑपोजिट कुछ स्ट्रेटजिस्ट का मानना है कि यदि चाइना और पाकिस्तान ज्वाइंट ऑफेंस लॉन्च करते भी हैं तो सियाचिन रीजन से अप्रोच करने की जगह उनके पास दूसरे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्ट्रेटजिस्ट का ये भी कहना है कि सियाचिन ग्लेशियर के कंट्रोल से हम काराकोरम रीजन या गिलगित बाल्टिस्तान में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं ला पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में सियाचिन ग्लेशियर को होल्ड करना स्ट्रेटजिक या मिलिट्री से ज़्यादा सिम्बॉलिक और पॉलिटिकल है। रॉ के फॉर्मर चीफ विक्रम सूद का कहना है कि इन स्ट्रेटजिक हाइट से बिना किसी स्ट्रॉन्ग गारंटी के विड्रॉ करना फुलिशनेस होगा। लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा ने भी हिंट्स दिए थे कि पहले इंडियन आर्मी की पोजीशन को ऑथेंटिकेट करते हुए दोनों साइड को एग्री हो जाना चाहिए, उसके बाद ही सियाचिन के डीमिलिटराइजेशन की बातें शुरू की जा सकती हैं। तो ये थी कहानी सियाचिन ग्लेशियर की, जहाँ एक ओर इंडिया से अपनी राइटफुल टेरिटरी क्लेम करता है, पाकिस्तान इसे इंडियन ऑक्यूपेशन ऑफ सियाचिन मानता है। दोनों देशों के स्टैंड में इस डिफरेंस को देखते हुए डीमिलिटराइजेशन और म्यूचुअल ट्रस्ट अभी एक दूर की बात लगती है, लेकिन दुनिया भर के डिस्प्यूट्स में ये देखा गया है कि नेचुरल डिजास्टर्स पीस प्रोसेस को बूस्ट प्रोवाइड करते हैं। इसका एग्जांपल हम लोगों ने 2004 के इंडियन ओशन सुनामी के बाद इंडोनेशियन गवर्नमेंट और एकनीज रिबल्स के बीच देखा था। सुनामी के बाद हुए इस नेगोशिएशन के कारण दोनों साइड के बीच पीस एग्रीमेंट हो पाता है, जिससे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का अंत हुआ। सिमिलर चांस LTTE और श्रीलंकन गवर्नमेंट को भी मिला था, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को दोनों साइड्स ने रिजेक्ट कर दिया था। 2012 में जब पाकिस्तान के 129 पाकिस्तानी सोल्जर्स एक एवलैंच में मारे गए थे, तो सियाचिन को लेकर सिमिलर नेगोशिएशंस की उम्मीदें की गई थी, जो नहीं हुई। चाइना के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC के इस रीजन के थ्रू पास होने से नेगोशिएशंस और कठिन दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आपके ओपिनियन के हिसाब से क्या सियाचिन का डीमिलिटराइजेशन करना ज़रूरी है या फिर हम पाकिस्तान पे अभी के लिए भरोसा नहीं कर सकते? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। তবে যাই বলো না, সিয়াচেন গ্লেশিয়ার এমন একটি জায়গা যা হচ্ছে পৃথিবীর উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুতে যেরকম প্রচুর পরিমাণে বরফ জমে আছে, সিয়াচেনও কিন্তু সেরকম একটি প্লেস। এবং সিয়াচেনের এখনকার যে কন্ট্রোল সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার কাছে আছে, এবং পাকিস্তান একটা সময় এই পাশে যে আকসাই চায়না সেই অংশটা পাকিস্তানের ছিল, তো সেটা পাকিস্তান চায়নাকে দিয়ে দেয়। এবং আরও কিছু অংশ জম্মু এবং কাশ্মীর যেটা পাকিস্তানের আছে সেটার অন্য কাশ্মীর বলে সম্ভবত আজাদ কাশ্মীর, ওখানের কিছু অংশও কিন্তু চায়নাকে দিয়ে দেয় কন্ট্রোলের জন্য, এবং চায়না ওখানে কিন্তু অলরেডি কন্ট্রোলে আছে। যে আর যদি ইন্ডিয়ান আর্মিরা সেই সিয়াচেন গ্লেশিয়ারের এখানে কন্ট্রোলে না থাকে, তাহলে কিন্তু লাদাখের যে অংশটুকু সেটার জন্য পাকিস্তান এবং চায়নার আর্মিরা হুমকিস্বরূপ হয়ে যাবে, কেননা এই পাশটা দিয়ে তাদের প্রবেশ সহজে তারা এখানে লাদাখে ঢুকতে পারবে, কাশ্মীরে ঢুকতে পারবে, তো তারা কন্ট্রোল নিতে পারবে আর কি খুব সহজে ইন্ডিয়ার এই অংশটুকুতে। তো তা ইন্ডিয়ার জন্য এটা একটা পজিটিভ দিক যে এখনও পর্যন্ত তারা এশিয়া চীনের দায়িত্ব সিকিউরিটিটা নিয়ে বসে আছে, আর এটা আসলে অনেক অনেক উপরে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে 18,000 ফিট উপরে, এবং এখানে কিন্তু সেরকম ঠান্ডা, -60 ডিগ্রি, তো সেরকম একটা পরিবেশে কিন্তু মানুষের বেঁচে থাকা অনেক কষ্টকর, এবং সেই জন্য তো অনেক সৈনিক মারা যাচ্ছে হ্যাঁ, এবং দুপক্ষেরই, কিন্তু এক পক্ষেরই মারা যাচ্ছে না, দুপক্ষেরই মারা যাচ্ছে, চায়না ইন্ডিয়া পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়া দুপক্ষেরই অনেক সৈনিক মারা গেছে। তো এটা আমার কাছে মনে হয় যে লাস্ট উনি যেটা দেখালো যে হচ্ছে পার ডে মনে হয় 5 crore মতো টাকা রুপি খরচ হচ্ছে যে সেখানকার সিকিউরিটি দেওয়ার জন্য, তো এটা একটা অনেক বড় অ্যামাউন্ট। আর আমার কাছে এই অ্যামাউন্টের থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে দুপাশে সৈনিকের জীবন, তো একটা সৈনিককে গড়ে তুলতে কিন্তু তাদের অনেকটা সময় লেগে যায়, তাকে ওই পরিবেশে মানানসই করে তোলার জন্য তার পিছনেও কিন্তু অনেকটা খরচ থাকে। তো শেষবেলাতে যখন তারা ওখানে যে সার্ভাইভ করতে পারে না, সেটা কিন্তু আসলে একটা দেশের জন্য বড় একটা ক্ষতি।
তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে শেষে উনি একটা কথা বললো যে আমরা এখনও কি পাকিস্তানের উপর ভরসা করতে পারবো কি না, তো জানি না তাদের দুই দেশের গভর্নমেন্ট যদি এটা মিলেমিশে এটাকে করতে পারে যে দুই দেশের সৈনিককে সরিয়ে এনে তারা একটা লাইন যেমন আছে সেটা সেরকম একটা কন্ট্রোলিং লাইন তৈরি করে, তাদের মধ্যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি করে, সেখান থেকে সৈনিকদের জীবন অ্যাটলিস্ট বাঁচে। বাট এটাও ঠিক যে ওখানে যদি সৈনিক না থাকে এই মুহূর্তে, তাহলে কিন্তু ভেতরে যারা থাকে আমাদের বর্ডারে যদি লোক না থাকে, সৈনিক না থাকে, তাহলে কিন্তু দেশের ভেতরে অনেক ধরনের সমস্যা হয়। তো বর্ডারে যারা থাকে তারা আর এই পরিবেশে যারা থাকে দেশের নাগরিককে সুরক্ষা দিচ্ছে, তাদের জন্য তো একটা স্যালুট আসলে অন্যরকম। অবশ্যই সিয়াচেন গ্লেশিয়ারটা কিন্তু অনেক বড় জায়গা, 700 কিলোমিটার স্কোয়ার কিলোমিটার, এবং এটা লম্বায় হচ্ছে 76 কিলোমিটার পুরো গ্লেশিয়ারটা। আর এখানে যুদ্ধ সংঘটিত হয় 1984-87 মেঘদূত যুদ্ধটা সংঘটিত হয় ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানের মধ্যে। নভেম্বর 2003-এর পর কিন্তু আর যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি, এটা একটা ভালো দিক যে আসলে ওখানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। না, এটা উনি বলতে চাচ্ছিল যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি তারপরও কিন্তু দুই দেশের সৈনিক মারা যাচ্ছে না। এবং এর পিছনে আরো অনেক ইতিহাস দেখানো হলো যার সঙ্গে আসলে লাইন অফ কন্ট্রোলের কিছু বিষয় ছিল। তো ওভারঅল যে জিনিসটা বুঝতে পারলাম, সিয়াচেনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জায়গা, সেটা ইন্ডিয়া পাকিস্তান এবং চায়নার জন্য, এবং আমরা মনে করি সবাই চায় সেই জায়গাটাকে নেওয়ার জন্য। অবশ্যই, এবং আমরা মনে করি যে দুই মেরুর মতো সিয়াচেনেরও আসলে এরকম একটু সিকিউর প্লেসে থাকা উচিত। আর আশা করব এই অংশটা নিয়ে কোনো দেশই আর যুদ্ধে সংঘাতে যাবে না, তাহলে আমার মনে হয় পৃথিবীর এই অংশটা অক্ষত থাকবে। তো ওভারঅল ভিডিওটি ভালোই ছিল আর আমরা এখান থেকে অনেক কিছু জানতে পারলাম। তো আমাদের সাথে সাথে যদি আমাদের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আমাদের সঙ্গে বসে আপনারা আর কী কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, আজকের মতো এখানেই বিদায়।